बड़े ही हर्षयुक्त वातावरण में आनंद के साथ श्री राधा गोविंद देव भगवान के पवित्र श्री चरणों में रजस्पर्श का आनंद लेते हुए, सुमधुर दर्शन का आनंद लेते हुए हम समस्त वैष्णव जन आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन के कथा सत्र में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान नाम चर्चा सुने, भगवान चरित्रों का व्याख्यान कहें और सुने आनंद के साथ। उससे पहले आइए भगवान के सुंदर संकीर्तन का आनंद लें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय भागवत भगवान की जय। राधा गोविंद देव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की,
परीक्षित जी महाराज की, श्री धाम वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। आज के कथाक्रम में सर्वप्रथम महाराज भरत का चरित्र। महाराज ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़े थे भरत जी। इन्हीं भरत जी के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। उससे पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। इन महाराज भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। 1 करोड़ वर्ष। और अंत में जब चौथापन आया तो राज्य का समस्त भार अपने पुत्रों के ऊपर छोड़ करके सघन वन में मर्यादा के अनुरूप तपस्या करने के लिए निकल गए। महाराज भरत जी अपने समस्त वैभव को छोड़ करके, अपने पुत्र, अपनी पत्नियां, अपना भरे खजाने आदि, अपने सैनिक, अपने वाहन, अपने घोड़े, अपने रथ, अपने हाथी, सब को त्याग करके अकेले घोर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और इन्होंने बड़े जोर से मन लगा करके पुलहाश्रम में जाकर के तपस्या की। पुलहाश्रम जो आजकल नेपाल में है और गंडकी नदी के किनारे पर है। ये गंडकी नदी क्या है? ये गंडकी नदी तुलसी देवी है। गोलोक में एक बार श्री राधा जी ने तुलसी गोपी के साथ कुछ वार्ता करते हुए भगवान श्री कृष्ण को देख लिया। राधा जी से न रह गया, उनको क्रोध आ गया और कहा कि मैं तुझे श्राप देती हूं, तू गोलोक से गिर करके धरती पर मानवी का अवतार ले, तुझे मनुष्य स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इधर में महाराज राधा जी ने अन्य सखियों के साथ देकर भगवान कृष्ण के प्रति कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ क्रोध में आकर के ऊंचे स्वर में कोई बात कह दी। वहीं पर विराजमान इनके भगवान के अंश सुदामा जी, ये वो सुदामा नहीं है, सुदामा जी गोलोकवासी सुदामा जी, उनसे नारा आ गया और उन्होंने श्री राधा जी को टोक दिया, कहा कि तुम्हारा ये धर्म नहीं है, तुम भगवान के प्रति इतने शब्दों का प्रयोग कर रही हो। ऊंची आवाज में उनको रोक दिया। यह बात राधा जी से सहन न हुई और उनको कहा कि तू जा और जाकर के धरती पर निशाचर योनि में जाकर जन्म ले। महाराज श्री राधा जी के शाप से शापित ये शंखचूर्ण दैत्य बने और तुलसी देवी जो थी वो वृंदा देवी के नाम से यहां पर धरती पर उन्होंने जन्म लिया। आगे समय पाकर के जब वो तारुण्य को प्राप्त हुए तो दोनों का विवाह हुआ। अब इनका नाम शंखचूर्ण है अथवा के जालंधर, युगांतर में जालंधर भी इनका नाम आता है। और ये हैं गोलोकवासिनी तुलसी जी जो यहां वृंदा देवी के नाम से जन्म लेकर के अब दोनों का गृहस्थ चल रहा है। ये बड़ी पतिव्रता हैं और बड़ी ही आनंद के साथ अपने गृहस्थ को चला रही हैं। शंखचूर्ण का इतना बल बढ़ा महाराज, इतना बल बढ़ा कि देवता परेशान हो गए।
तो जब देवता परेशान हो गए तो भगवान से निवेदन किया, भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने छल करके अर्थात युद्ध किया। तो युद्ध में जब ये मरे नहीं, मरने में ही नहीं आ रहे हैं, इनका पुरुषार्थ कदाचित कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो विचार किया और विचार में ये पाया कि ये अपने पुरुषार्थ से अथवा के अपने बल से नहीं लड़ रहे हैं, ये तो वृंदा देवी के सतीत्व के कारण इतने बलशाली हो रहे हैं। अतः जब तक उस देवी का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक इनको हराने वाला कोई नहीं है। भगवान शंकर इनसे लड़ते रहे और भगवान विष्णु उसी दैत्य का रूप बनाकर वृंदा देवी के यहां चले गए। वृंदा देवी के साथ इन्होंने समागम किया। अंत में वृंदा देवी के पवित्र पातिव्रत के कारण ये ठहर न सके और इनको पहचान लिया। क्रोध में आ गए, भगवान तुमने मेरे साथ छल किया, मर्यादा के रखवाले, मर्यादा को बनाने वाले, सारे धर्म के अधिष्ठाता हो आप तो, आपने, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। भगवान मुस्कराए क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि शंखचूर्ण दैत्य जो है ये मेरा ही तो अंश है, और वो ये भी जानते हैं कि ये जो वृंदा देवी है ये भी तो लक्ष्मी का ही अंश है, और भगवान ने भी श्राप दे दिया। तब केश समूहाश्च पुण्य वृक्षा भवन त्विते, देवी तेरा श्राप में श्रोधार्य करता हूं लेकिन मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर एक पानी की धारा के रूप में बहकर बह निकलेगा और तुम्हारे केश छोटे छोटे से सुंदर सुंदर पौधे के रूप में बदल जाएंगे। तो वृंदा देवी का शरीर जो पानी बनकर के बहा यही गंडकी नदी है, और भगवान विष्णु वहां पर शालग्राम बन गए, और गंडकी नदी आज भी उस चक्राकार शालग्राम शिला के चारों ओर बहती हुई आगे बढ़ती है। बोलो तुलसी महारानी की जय। और ये गंडकी नदी बनकर के बहने लगी हैं और इनके बालों से छोटे छोटे सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे उगाए, और भगवान ने कहा कि ये तुलसी के दल, ये तुलसी की लकड़ी, ये तुलसी की मंजरी, ये तुलसी की जो वृक्ष है मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। तुलसी काश निर्माण मालां मालां गृहणातियो नर पदे पदे स्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। भगवान ने प्रसन्न होकर के क्या वरदान दिया है कि जो तुलसी की लकड़ी की तुलसी काष्ठ मालाम, तुलसी की लकड़ी की बनी हुई माला को अपने हृदय में धारण करता है, अपने हृदय पर धारण करता है, अपने गले में धारण करता है, वह जब चलता है तो एक एक पग पर उसे यज्ञ का फल मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुधा घट सहस्रेण या तुष्टि न भवे धरे या चतुष्टि भवे निर्णाम तुलसी पत्र दानता। भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई हजारों घड़े अमृत के भर करके चढ़ाए अर्थात अमृत से मेरा अभिषेक करे, मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि जो मेरे ऊपर तुलसी दल चढ़ाता है, तुलसी का पत्र चढ़ाता है, उस समय मुझे ज्यादा आनंद, ज्यादा संतुष्टि, ज्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। नित्यम यस तुलसी दलम, और जो नित्य तुलसी दल के द्वारा मेरा भोग लगाता है वह अनेक अनेक यज्ञों के फल का पुण्य प्राप्त करता है। बोलो तुलसी महारानी की जय। अब तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए, कब नहीं चुनना चाहिए, इसकी भी मर्यादा बताइए भगवान ने।
कि पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, द्वादशी पर और संक्रांति के समय, संक्रांति का महीने की संक्रांति जब बदलती है, उस समय शरीर में तेल लगा करके बिना स्नान किए ठीक दोपहर के समय और रात्रि में, माताएं जब अशौच अवस्था में होती हैं उस समय भी तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से ऐसे समझिए कि हमने तुलसी नहीं बल्कि भगवान का शरद छेदन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तुलसी महिमा में एक और बात, श्री राधा जी यमुना नदी जी में एक सुंदर कमल का विशाल पुष्प बह करके आ रहा था। उस कमल के पुष्प पर एक कन्या आनंद के साथ ऊपर को मुंह करके लेटती हुई अपने पैर का अंगूठा पीती हुई चूसती हुई चली आ रही थी, यमुना में बही चली आ रही थी। इधर से कीरति मैया यमुना में स्नान करने के लिए गई, उन्होंने जो सुंदर बालिका को देखा यमुना में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से कमल सहित उस बच्ची को उठा लिया और हृदय से लगा लिया और इस कन्या का, इस शिशु का उन्होंने घर लाकर के बड़ा सम्मान बड़ा सत्कार किया और वैसे ही पालन पोषण किया जैसे कि ये इनकी औरश पुत्री हो। यही श्री राधा रानी थी। बोलो राधा रानी की जय। अब श्री राधा जी कुछ कुछ बड़ी हुई और इधर में नंद किशोर भगवान श्याम सुंदर नटवर नागर कुछ बड़े हुए तो इनकी अटखेलियां, इनके खेलने की, इनके सौंदर्य की, इनके माधुर्य की चर्चा ब्रज में सर्वत्र फैल गई। राधा जी के कानों में भी ये चर्चा हुई तो राधा जी ने अपनी सखी चंद्रानना से कहा, बहन मैं चाहती हूं कि नंदकिशोर नटवर नागर श्याम सुंदर के दर्शन करूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने नेत्रों से देखूं, उस किशोर बालक को जो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा मीठा है, सबसे ज्यादा मधुर बोलता है, मैं अपने नेत्रों से दर्शन करना चाहती हूं। कैसे दर्शन होंगे? इनकी प्यारी सखी चंद्रानना ने कहा, बहन राधा बहुत सरल उपाय बताती हूं, एक तुलसी का पौधा अपने आंगन में लगा ले सुंदर गमले में और उसकी नित्य परिक्रमा कर, दीपक जला उसकी नित्य पूजा कर, किंचित काल करके तो देख। बड़ी प्रसन्न हुई राधा रानी, अपने महल के ऊपर भाग में ही तुलसी का सुंदर पौधा गमले में है मंगवा लिया, नित्य पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं, प्रदक्षिणा करती हैं कि कुछ ही समय में एक दिन अचानक वो अपने महल के झरोके से झांक रही थी कि सामने से नटवर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ उन्हीं के सामने से निकले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और अतिशीघ्र उन्होंने, राधा रानी जी ने भगवान के दर्शन कर लिए। तो ये तुलसी की महिमा, तुलसी पूजा की महिमा है। इस प्रसंग में अब आगे बढ़ते हैं। महाराज भरत जी दिनों दिन तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ त्याग दिया है और कदाचित कहीं उनकी आसक्ति भी न बची, अनासक्त भाव से वो घोर वन में जाकर के गंडकी नदी के किनारे पर एक कुटिया बना करके आज भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। एक दिन दोपहर का समय है और गंडकी नदी के पावन किनारे पर जाकर के वो अपनी कुटिया से निकले, नदी के किनारे पहुंचे और बैठ करके ओंकार का जाप करने लगे। जाप कर रहे हैं, अचानक देखा कि एक आसन्न प्रसवा हरणी आई और आकर के जहां पर ये जाप कर रहे थे
इन्हीं के पास में आकर नदी के पवित्र किनारे पर जलपान करने लगी, पानी पीने लगी। जैसे ही ये पानी पी रही थी, तो जैसे ही ये पानी पी रही थी कि क्या हुआ, अचानक इस स्वभाव से कातर हिरणी को शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। और शेर की दहाड़ जैसे ही सुनाई पड़ी, किसने आगे को छलांग लगा दी। आगे तो नदी का प्रवाह था और प्रवाह में बहने लगे। ये किन प्रकारेण ये नदी की धारा को, मुख्य धारा को पार करके दूसरे किनारे पर चढ़ी। और दूसरे किनारे के चढ़ाई पर जैसे ही चढ़ी, उससे पहले ही इसके उधर से जो बच्चा था वो निकल पड़ा। ब्याहने वाली तो थी, बच्चा निकल पड़ा। और बच्चा निकल करके जेर में लिपटा हुआ बच्चा नदी की धारा में बहने लगा। इधर ये हिरनी कुछ दो चार कदम ऊपर को चढ़ी कि गिर पड़ी और बेहोश हो गई, और पैर छटपटाते हुए इसने अपने प्राण त्याग दिए। हिरनी मर गई, उसका बच्चा जो है नदी में बहा जा रहा है। भरत जी तपस्या कर रहे हैं, उनके नेत्र खुले हुए हैं, सामने देख रहे हैं कि जेर में लिपटा हुआ बच्चा बहा हुआ जा रहा है। आप बताएं माता जी, भरत जी चुप बैठे रहे कि इस बच्चे को उठा लें। बताइए, स्वभाव से दयालु महाराज भरत जी से ना रह गया और वो अंदर नदी के प्रवाह में प्रविष्ट हुए और इस बच्चे को उठा लिया, हिरनी के बच्चे को उठा लिया। इन्होंने इनकी गंदगी को नहला करके साफ किया है और नहला धुला करके साफ करके इस बच्चे को अपने पास ही बिठा लिया है। अभी बच्चा खड़ा भी नहीं हो सकता है, ढंग से बैठ भी नहीं सकता है, अभी अभी तो पैदा हुआ है। और ये ओंकार के जप में लग गए। अब जाप करते हैं लेकिन ध्यान बच्चे की तरफ है। धीरे धीरे बच्चा लड़खड़ाने लगा और खड़े होने का प्रयास कर रहा है। ये जाप भी कर रहे हैं और बच्चे को एक हाथ से खड़ा भी कर रहे हैं। जाप संपन्न हुआ, अब ये चलना चाहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इस बच्चे को भी साथ लेता चलूं, क्योंकि अगर मैंने इसको यहां छोड़ दिया तो कोई भी हिंसक जानवर आएगा और आकर के इसको खा जाएगा। तो फिर मैंने इसको अगर यही छोड़ना था तो मैंने इसको बचाया ही क्यों। हिरनी के बच्चे को लेकर के चल दिए और अपनी कुटिया में ले आए और ला करके इसकी देखरेख करने लगे। और चावल के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े और कोमल कोमल घास का अग्रभाग ला करके इसको चुगाते हैं, खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। और धीरे धीरे हिरण का बच्चा तो था ही, स्वभाव से चंचल होता ही है, कुछ ही दिनों में यह उछल कूद करने लग गया। लेकिन इन्होंने तो भरत को ही देखा था इस हिरनी के बच्चे ने, अतः अपना माँ, अपनी अपना बाप सब कुछ इन्हीं को समझ करके किलोल करते हैं, आश्रम में खेलता कूदता उछलता है, लेकिन भरत जी को एक क्षण भी नहीं छोड़ता है। भरत जी भी भजन भी करते हैं, जब भी करते हैं, तब भी करते हैं, लेकिन मन बच्चे में ही लगा रहता है। कदाचित बच्चा आश्रम से निकल भी गया और जब तक ये लौट करके नहीं आता है तब तक यही सोचते रहते हैं कहीं ऐसा न हो, क्योंकि अति स्नेह पाप शंके, ऐसा न हो कि कोई खा ले इसको, कोई ऐसा न हो कोई मार दे इसको और ये फिर लौट के न, जब तक लौट के नहीं आता है बच्चा तब तक चिंतित रहते हैं। अर्थात सब कुछ सांसारिक संपत्ति क्या त्याग कर देने वाले महाराज भरत हिरनी के बच्चे में आसक्त हो गए। हिरनी के बच्चे में इनका मन फंस गया, इनका प्रेम फंस गया। एक दिन अंतिम समय है, भरत जी संसार को छोड़ देना चाहते हैं। भरत और ये बालक भी, हिरनी का बच्चा भी समझने लग गया है, ये भी समझ रहा है आज हिरनी का बच्चा चुगने नहीं गया है, घास खाने नहीं गया है, दाने चुगने नहीं गया है, बैठा है। अंतिम क्षणों में भरत जी बच्चे को देख रहे हैं और बच्चा बैठा बैठा इनकी तरफ देख रहा है
आंखों में भरत जी के भी आंसू हैं और बच्चा भी आंसू बोल नहीं रहा है लेकिन जान सब रहा है। और इस तरह भरत जी ने उस बच्चे को देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज प्राण त्याग दिए लेकिन चूंकि अंत में आसक्ति हिरनी के बच्चे में रही अतः भरत जी को दूसरा जन्म हिरण का ही मिला। अंतया यामति सागते और यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। उस भाव से भावित व्यक्ति उसी गति को प्राप्त होता है जिसका कि उसने अंतिम क्षणों में स्मरण करते हुए प्राण त्यागे हैं। लेकिन भगवत कृपा भजन बहुत किया था और प्रजा का पालन भी धर्मानुकूल इन्होंने अपने राजत्व में किया था तो हिरण तो थे लेकिन इनको अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जो था इनके सामने इनको स्मरण में इनकी मानसिकता में बना रहता था। ये समझते थे कि अत्याशक्ति यही मेरी इस दुर्गति का कारण है और धीरे धीरे चलते चलते सूखे पत्तों का भक्षण करते करते गंडकी नदी के किनारे पर पहुंच गए और एक दिन गंडकी नदी के किनारे पर जल में अपने शरीर के पृष्ठ भाग को भिगोकर और अग्रमुख भाग को किनारे पर रख करके इस हिरण ने प्राण त्याग दिए। अब महाराज तीसरे जन्म में भरत जी को एक ब्राह्मण बालक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ब्राह्मण थे जिनकी दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी के बच्चे थे, छोटी पत्नी के दो बच्चे थे, एक बालक और एक बालिका। ये बालक जो था छोटी पत्नी से यही भरत जी थे। महाराज भरत जी को तो अपने तीन जन्मों की याद थी। वो तो इस बात से पूर्ण आश्वस्त थे कि मुझे किसी में भी ना तो किसी से प्रेम करना है और ना तो किसी से बैर करना है। पिताजी ने खूब कोशिश की, इनका उपनयन संस्कार करवाया और इनको गायत्री मंत्र पढ़ाया और कई बार कोशिश की लेकिन भरत जी ने जानबूझकर एक बार भी शुद्ध गायत्री मंत्र नहीं बोला। लोग समझने लगे कि ये कम बुद्धि का बालक है, ये कम अकल का बालक है, ये मंद बुद्धि है यह बालक है।